हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो सेशन में हमने देखा कि भाई किस तरह से स्ट्रिंग्स कंटेनिंग समथिंग एज वेल एज स्ट्रिंग एंडिंग इन समथिंग का डीएफए बनाया जाता है। आज हम कुछ अलग वैरायटी के डीएफएस देखेंगे। तो मान लो मेरी लैंग्वेज है, अज्यूम माई सिग्मा इज 0 एंड 1 एंड माई लैंग्वेज इज स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ जीरो वन। दिस इज माई लैंग्वेज, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0 1। अब इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगी? इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी 0 1 डॉट 0 प्लस 1 स्टार। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई हमारा फर्स्ट सिंबल 0 होना चाहिए और सेकेंड सिंबल 1 होना चाहिए। उसके बाद मेरी लैंग्वेज में, मेरी स्ट्रिंग में चाहे कुछ भी आए, आई विल एक्सेप्ट। ठीक है, तो जितनी चीज़ कंपलसरी है उसके लिए पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो भाई मैं ये स्टेट बना, इनिशियल स्टेट, उसमें से मैंने 0 निकाला और फिर यहाँ से मैंने 1 निकाला। तो ये 0 1 के लिए बात बन गई। नाम दे देते, इसको बोलता हूँ ए, इसको बी, इसको सी। अब डीएफए का रूल है, हर एक स्टेट में से हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकलना चाहिए। अब स्टेट ए में से 0 के लिए ट्रांजिशन निकल गया है, 1 के लिए मुझे निकालना है। तो अगर सिंबल 1 आए तो मैं उसे कहां पर डालूंगा? इफ आई पुट इट इन स्टेट ए ओनली, इफ आई पुट इट इन द सेल्फ लूप, तो किस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी? मान लो मेरी स्ट्रिंग है कुछ 1 1 0 1, इस तरह की स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी विच स्टार्ट्स विद 1 और विच स्टार्ट्स विद 1 1। आइडियली वॉट वी वॉन्ट, वी वॉन्ट स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 0 1, सो आई कांट पुट 1 हियर। अगर मैं इस 1 को यहां पर भी डाल दूं बी के पास, देन वंस अगेन दिस स्ट्रिंग विल बी एक्सेप्टेड, 1 1, स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ 1 1। और अगर मैं इसको सीधा एक्सेप्टिंग में डाल दूं तो भी वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इट विल एक्सेप्ट स्ट्रिंग 1 विच इज नॉट पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। तो ये सारी चीजें गलत है। वी कांट पुट इट इन द सेल्फ लूप ए, वी कांट पुट इट फ्रॉम ए टू बी, वी कांट पुट फ्रॉम ए टू सी ऑल्सो। आइडियली दोस्तों आप समझिए कि स्टार्टिंग स्टेट में से 1 कभी भी नहीं आ सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज वॉट यू वॉन्ट, आपकी स्ट्रिंग 0 से शुरू होनी चाहिए। और अगर आप स्टार्टिंग स्टेट में से 1 लेते हो और वहां से कहीं आप एक्सेप्टिंग स्टेट में पहुंचते हो तो आपकी गलत स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर स्टार्टिंग में ही आपका सिंबल 1 आ जाता है और उसके बाद चाहे कुछ भी आए, योर स्ट्रिंग मस्ट नॉट बी एक्सेप्टेड, राइट? तो मुझे यहां से स्टार्टिंग स्टेट में से 1 आए तो मैं उसे किसी ऐसे स्टेट में डाल दूं कि जिसके बाद हम वहां से निकले नहीं, क्योंकि एक बार 1 आ गया उसके बाद चाहे कुछ भी आए, हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। वेन एवर सच काइंड ऑफ कंडीशन राइजिस, वी यूज अ डेड स्टेट, राइट? अ डेड स्टेट इज एनी अदर स्टेट, राइट? लेट मी कॉल इट अ डी। बट डेड स्टेट एक ऐसा स्टेट है कि जिसमें एक बार आप चले गए फिर उससे बाहर वापस आप नहीं आ सकते, राइट? तो डेड स्टेट्स में से काहे चाहे कोई भी सिंबल आए, 0 आए, 1 आए, कोई भी सिंबल आए, वी विल बी इन द डेड स्टेट ओनली। और डेड स्टेट कब यूज कर रहे हैं? जब ऐसी कंडीशन हो कि ये आ गया, अब ये आ गया तो अब इसके बाद चाहे कुछ भी हो, मेरी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो सकती, तब हम यूज करेंगे ये डेड स्टेट का। अच्छा, अब बी में से मुझे 0 निकालना है। अब आप समझिए कि भाई आगे 0 आ गया है, मेरी स्ट्रिंग में आगे 0 आ गया है, मतलब ए में से 0 लेकर के मैं बी पे पहुंच गया हूं। अब मुझे बी में से 0 निकालना है, मतलब मैं यहां पर 0 रखूं। तो अब देखिए मेरा दूसरा सिंबल क्या होना चाहिए था, इट शुड बी 1, लेकिन अब क्या है, यहां पर मेरा दूसरा सिंबल 0 है। अगर आपका दूसरा सिंबल 0 है तो फिर उसके बाद चाहे आपके और चाहे कितने भी सिंबल हो, आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्ट्रिंग
का दूसरा सिंबल वन होना चाहिए, पहला जीरो और दूसरा वन। यहां पर पहला जीरो है लेकिन दूसरा सिंबल वन नहीं है, इट इज जीरो है, राइट। तो बी में से जीरो मैं कहां पर डालूंगा? बी में से जीरो मैं डेड स्टेट में ही डालूंगा, क्योंकि दूसरा सिंबल अगर जीरो आता है उसके बाद चाहे कुछ भी आता है, माई स्ट्रिंग विल नॉट गो इन एक्सेप्टिंग स्टेट, स्ट्रिंग कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। अब सी की बात करते हैं, सी में से मुझे जीरो और वन निकालना है। अब जब मैं सी पे पहुंचा हूं, मैं सी पे कैसे पहुंचूंगा? जब आगे मेरी स्ट्रिंग में जीरो वन आ गए हैं, मतलब मेरा पहला सिंबल जीरो है, दूसरा सिंबल वन है, तभी मैं सी में पहुंचूंगा, अदरवाइज तो मैं यहां पर डेड स्टेट में कहीं अटक जाऊंगा। तो मेरा पहला सिंबल जीरो है, दूसरा सिंबल वन है, ये कंडीशन आती है तब मैं सी में पहुंचता हूं, मतलब पहला जीरो दूसरा वन, अब मैं सी पे पहुंचा हूं। अब चाहे मैं कुछ भी डाल दूं यहां पर पीछे, कुछ भी डाल दूं, माय स्ट्रिंग मस्ट बी एक्सेप्टेड, राइट। तो सी में से चाहे कुछ भी आए, जीरो और वन, इट शुड बी एक्सेप्टेड, राइट। तो ये बन गया मेरा डीएफए फॉर स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विथ वन, सॉरी स्टार्टिंग विथ जीरो वन। हर एक स्टेट में से हमने हर एक सिंबल के लिए ट्रांजिशन निकाल दिया है। जितनी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में होगी वो सारी एक्सेप्ट होगी, जितनी स्ट्रिंग मेरी लैंग्वेज में नहीं होगी वो सारी रिजेक्ट हो जाएगी। सो दिस इज द डीएफए फॉर स्ट्रिंग स्टार्टिंग विथ जीरो वन। नेक्स्ट लेते हैं,